मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी नर्मदा किनारे बिक रही खुले आम शराब अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम में शराब माफियाओं द्वारा आबकारी विभाग की मिलीभगत के चलते वे देसी विदेशी एवं कच्ची शराब का धंधा बेरोक टोक चल रहा है। ग्रामीणों की शिकायतों पर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा नर्मदा के पावन तट पर नशाबंदी को प्रतिबंधित कर क्षेत्र से में बिक रही अवैध देसी विदेशी शराब की दुकानें यहां से हटाए जाने के बावजूद भी क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी हो रही है। इस मामले में अनेक ग्रामीण ट्रस्ट है, कई महिलाओं के मांग का सिंदूर लड़ चुका है, मगर प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की सारी जानकारी होने के बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। शासन को यह चाहिए कि इन अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई तो होती है, साथ में इनके खिलाफ अगर नर्मदा तट के पावन स्थलों पर यह शराब बेचते तो उनके खिलाफ रासुका जैसी धाराओं के तहत भी कार्रवाई कर इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। स्थिति यह है कि अब प्रत्येक ग्राम में 4 से लेकर 5 कलाली खुल गई है। गांव में अशांति जैसा माहौल दिखाई पड़ रहा है। शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, शिकायतकर्ता को भी खुलेआम पीट दिया जाता है और पुलिस कोई कार्रवाई तक नहीं करती, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश। सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठे हुए, शराब के विरोध में इकट्ठे हुए, इसमें आपको प्रशासन का सहयोग मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? शराब आप क्या यहाँ मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से ही बंद हुई या पहले से बंद होती है? महिलाएं भी आपके साथ में इस मामले में? ग्रामीण जनों ने माँ रेवा ग्रुप के अध्यक्ष पंडित मुकेश शुक्ला के नेतृत्व में चौकी प्रभारी मोरटक्का लीला बघेल को सैकड़ों युवाओं ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। गांव में एकता है, नहीं बिकेगी नहीं बिकेगी, गांव में पूरे गांव में एकता है, नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगी। जो भी दारू बेचेगा उसके ऊपर दंड, 5 तारीख को सरकार से हो जाएगा। घर में दारू बेचो पंचायत दंड करेगी, पुलिस तो केस बनाएगी, पंचायत अलग से दंड करेगी। मानधाता तहसीलदार को भी अवगत कराया। श्री शुक्ला ने बताया कि अगर शराबबंदी नहीं रोक पाई तो ग्रामीणों द्वारा 5 जुलाई को शांतिपूर्वक आंदोलन भी किया जाएगा। उक्त मामले की शिकायत अधिकारियों को भी दी जाएगी। अगर इस ओर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में 5 जुलाई को ग्रामीणों द्वारा उपस्थित होकर ओंकारेश्वर नगरी में शराबबंदी को लेकर एक शांतिपूर्वक जन आंदोलन भी किया जाएगा।